हाई दोस्तों वेलकम बैक नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का अठवीं एग्जाम बच्चों कल का कल दोस्तों होने वाला अट्ठाईस अक्टूबर का ठीक है उसके लिए का इंग्लिश का इंपॉर्ट प्रश्न सारा बच्चों का एग्जाम प्रश्न को यही आएगा सेम टू तो सेम बच्चों तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए सब्सक्राइब बताया कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची आपको ये हो प्रोजेक्ट रेल दोस्तों ठीक है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग कक्षा आपको एट बच्चों क्लास आपको एट हो गया अब विषय को सब्जेक्ट हो गया होगी आपको इंग्लिश बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए दो पहले समझिए क्या है कि हु हैज हुन द स्टोरी द फ्लाइंग मशीन दोस्तों जो फ्लाइंग मशीन जो जो आपको कहानी बच्चों थी? इसने ने लिखा बच्चों कहानी को ठीक है इसका सिंपली नाम क्वेश्चन बताने जिसका लेखा बच्चा हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बच्चों क्या कस रे डगलस ब्रेड बरी बच्चो ठीक है ऑप्शन दूसरा सिंपली सही बच्चों को लगा देना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा समझिए क्या है कि आई साव हिम इन द एयर ए मैन फ्लाइंग विथ बिचो ठीक है ऑप्शन आपका पहला है वाइंग्स ऑप्शन है दूसरा आपका हैंड्स ऑप्शन आपका तीसरा बच्चो है बॉडीज ऑप्शन आपका चौथा बचो टेल्स बच्चो ठीक है तो सिंपली सिंपलीस सही बच्चे आंसर क्या होगा सिंपली सही होगा ऑप्शन बच्चों पहला क्या वाइंग्स हवा बचो ठीक है समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन का तीसरा समझे क्या है कि वेयर डिड द एम्पेयर द सर्वेंट एंड द फिल्टर प्यूस्ड बच्चों ठीक है तो सिंपली सही ऑप्शन सिंपली सही बच्चे ऑप्शन दूसरा बच्चों है विथ इन द हंग गार्डन बच्चों ठीक है ऑप्शन सिंपली सही दूसरा बच्चा हो जाएगा आपको सही बच्चा हो जाएगा ठीक है विथ इन द हग गार्डन बच्चों ठीक है क्वेश्चन चौथा बार समझे क्या है कि द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग हु सेड दिस बच्चों ठीक है इसका ऑप्शन पहला बच्चों को सम हो जाएगा आपका इम्पेयर युआन बच्चों ऑप्शन दूसरा आपका है द सर्वेंट है ऑप्शन तीसरा आपका है दर फेलर है ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका चौथा दिया हुआ दे बच्चों ठीक है तो सिंपली सही इसका ऑप्शन पहला बच्चों का होगा आपका इम्पेयर युआन बच्चों ठीक है यानी कि सम्राट युआन बच्चों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते आगे हम लोग प्रश्न क्वेश्चन देखिए फाइव समझिए क्या है कि द एक्सक्यूनर्स फेस वाज कवर्ड कट वीथ सेरेन बच्चों ठीक है सिंपली के ऑप्शन पहला आपका जो ब्लैक मार्क्स ऑप्शन दूसरा बच्चों का व्हाइट मार्क्स ऑप्शन तीसरा बच्चों पर्पल मार्क्स ऑप्शन चौथा ग्रे मार्क्स बच्चों ठीक है तो सिंपली सही इसके आंसर ऑप्शन दूसरा बच्चों का व्हाइट मार्क्स बच्चों का हो जाएगा ठीक है व्हाइट मार्क्स बच्चों का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन पर समझिए क्या आ चुकी है यहाँ पर रे डगलेस ब्रेडबरी वाज एन खा लीजिएगा अत्थर बच्चा कहाँ का लेखक बच्चों आपको ये है बच्चों बच्चोर कहाँ का ठीक है तो सिंपली सही होगा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तीसरा क्या हुआ क्वेश्चन अमेरिका का था बच्चों अमेरिका बच्चा ठीक ऑप्शन आपका सिंपली सही होगा तीसरा बच्चा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए सेवन बोलो समझिए एम्पेयर क्लोब्ड हीज हैंड्स टू कॉल बच्चों ठीक है तो ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है द गार्ड ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दूसरा आपका है द सर्वेंट ऑप्शन जो तीसरा आपका यहाँ पर द फेलियर ऑप्शन आपका चौथा है नन ऑफ दज बच्चों ठीक है तो सिंपली सही इसके आंसर ऑप्शन पहला बच्चे यहाँ पर क्या द गार्ड बचिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आठवां समझिए क्या है कि फ्लाइंग मशीन ठीक है तो ऑप्शन पहला को दिया हुआ है इन स्टैंड स्टील ऑप्शन दूसरा है इन मोशन ऑप्शन है नन ऑफ देज तो सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बच्चों क्या होगा इन मोशन बच्चों है क्वेश्चन देखिए नाइन समझिए क्या है कि द ठीक है सिंपली सही का ऑप्शन पहला बच्चों का वाइल्ड रेड क्या होगा वाइल्ड रेड बच्चों ऑप्शन होगा पहला सिंपली सही है लगाना वाइल्ड रेड बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वाटल डिट द एम्पेयर सी बच्चो ठीक है तो सिंपली सही का ऑप्शन बच्चों का दूसरा क्या होगा आपको यहाँ पर ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई बच्चो ठीक है ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई बच्चों यानी कि आकाश में उड़ता हुआ बच्चा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चे क्वेश्चन देखिए ग्यारह समझिए क्या हो रहा है कि मैच द गेसिंग द कॉन्टेक्सटल मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स बच्चों समझिए क्या द बॉय वाज वेल्ड रेड ठीक है सही क्या बच्चों को तो देखिए इसका सही जगह ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है ये पाँच नंबर मिल जाएगा कहाँ मिलेगा जिस तरह से तो

चिक बच्चों ठीक है टू केिक हो जाएगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखिए सी वर्ग समझिए क्या है कि द दस्काय टर्नेट रेड है तो सिंपली सही बच्चा होगा सी का बच्चों का सिंपली सही कहाँ लगा था हो सिंपल सही दूसरा इसमें क्या आएगा कि वेन द सन सेट बच्चा ठीक है तो नेक्स्ट तो समझिए क्या है कि द स्टील ऑफ लिप्स बच्चा ठीक है तो सिंपली क्या बच्चा होती तीसरा बच्चा सिंपली सही क्वेश्चन क्या कि मेड द डॉग अवर ऑफ द सेंग ब ठीक है क्वेश्चन देखिए ई नंबर समझिए क्या है कि राइट ब्रोदर्स आर द इन्वेंटर्स बच्चो ठीक है तो इन्वेंटर्स सिंपल इसको कहाँ सिंपल मिल जाएगा चौथा नंबर मिल जाएगा क्या कि ऑफ एयरप्लेन बच्चों ठीक है सिंपल जगह जाएगा ठीक है सिंपल ऑफ एरोप्लेन दोस्तों ठीक है आपको इससे मिला दीजिएगा ई को इससे सिंपल इस तरह इसको मिला के मैच कराना था बच्चों ठीक है क्वेश्चन आगे बचे क्वेश्चन क्या की फिल इन ब्लैंक्स विद द प्रजेंट पर फ्रॉम ऑफ द भर इन आपको ये भारत को फिल करना ten, ten तो है, तो आपको प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ क्वेश्चन में ए बचो आपको सी बचो ठीक है सी वर्क हेयर फोर फाइव ईयर्स बचो ठीक है सिंपली क्या देखिए है भर दिया बच्चों यहाँ भरना आपको है ंग बच्चा ठीक है समझेगा वर्क का जो वी फोर जगह वर्किंग दोस्तों सौगा ठीक है लड़की रहेगा तो क्या हैज बिन दोस्तों लगेगा ठीक है समझेगा क्वेश्चन देखिए आपको बी वो समझिए क्या है आई स्टडी ऑल डे बच्चो ठीक है सिंपली क्या देखिए होता है आई बीन स्टडी बच्चों ठीक है स्टडी का स्टडिंग आई है जिसमें जोड़ देना भी फोर उसको बना देना वी वन दो उसको वी फोर बना देना ठीक है

सिम्पल यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको सो देखिए आपको यहाँ वी के साथ क्या वी के का आपका हैव बीन आएगा ठीक है लिब का चौथा रूप हो जाएगा आपका लिभिंग दोस्तों समझे क्वेश्चन आपका ई वर्ड समझिए क्या ही ठीक है प्ले फुटबॉल सो ही इज ट्राइड बेचू ठीक है समझिएगा तो ही के साथ क्या आपका हैव हैज बीन दोस्तों क्या हैज बीन आएगा तब प्ले का भी फोर हो जाएगा आपका प्लेइंग क्या जगह प्लेइंग पी एल वाई पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग प्लेंग ठीक है बस आपका ये होगा फाइल इसका का है बच्चों को ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक की चले दोस्तों प्रश्न को एग्जाम में यही सब आपको आएगा ठीक है तो थैंक यू सो मच हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू सो मच हिंद जय भारत वंदे मातरम ठीक है